मोबाइल फोन कितना नुकसानदायक हमारे लिए है, नुकसानदायक yes. अभी तक सुना है, आज आपको लाइव दिखाएंगे। सर आप भी आ जाओ, आपको सुना सर yes. Yes, सर आप भी वैसे अपना आईडी और पंजे मिला लीजिए, मोबाइल अपना निकाल के रख दो। तो वैसे ही आप अपने आप को रोकेंगे और मैं पूरा जोर लगाऊंगा आपके ऊपर, आप भी अपनी पूरा प्रयास करना रोकने के लिए। रेडी, पूरा जोर लगा रहे हो, एक बार दोबारा से देखते हैं, एनडीए पंजे में लगी अपने। रेडी, जोर लगाओ सर, पूरा जोर लगाओ। रेडी, पूरा जोर लगा रहे हो, सेटिस्फाई हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको इस पानी का रिजल्ट दिखाते हैं। ये क्या है? मैग्नेटाइज वाटर, जस्ट घर का पानी है, घर की बोतल है, इसके ऊपर ये मैग्नेटिक जो पैड है ये लगाई हुई है, 2 से 5 मिनट के अंदर ये पानी को मैग्नेटाइज कर देती है। इसको हम पी भी सकते हैं और इससे सिर्फ हैंड सैनिटाइजर भी कर सकते हैं। आधा एक गिलास पानी पी लो सर आप। अभी ये मैग्नेटिक वाटर पीने से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आपके सामने अभी दिखाई देगा साफ साफ। एडी और पंजे मिलाइए सर। रेडी, सर कह रहे जादूगर तो नहीं है, मैं जादूगर हूं, मैं अपने आप को मानता हूं जादूगर। तो अभी एक फोन कॉल, सर इनका फोन देना, अभी सर के पास है अभी एक जस्ट कॉल आएगी और सर को अटेंड करनी है। अटेंड करके क्या करना है, काट देना है। उठा लो देखो और इसको काट दो, काट दो, काट दो, नहीं रख दो इसको। आप लोगों ने क्या देखा, अभी एक जस्ट कॉल आई है और काट दिया है। वैसे सर रेडियो पंजे में लगी, रेडी कॉल लगाओ, ठीक है, सेटिस्फाई हो, कोई कमी रह गई है, कोई मन में कोई क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। तो अभी जैसे एक फोन कॉल आया तो इसने क्या है, बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया। फिर से यही ब्रेसलेट का हम यूज करेंगे जो हमारे को रेडिएशन से हमेशा बचाता है। 3-4 बार ऐसे कर लो सर, 1-2 लंबी सांस और वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे पहले खड़े थे। रेडी और पंजे मिला के, रेडी, अभी सर दोबारा कॉल करो। इस बार क्या आपको काटना नहीं है, जेब में डालो उसको, जेब में डालो सर। तो आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले सर के पास कॉल आई थी, सर ने क्या कर दिया था, काट दिया था, क्या कर दिया था, काट दिया, क्या कर दिया था, काट दिया। पीछे अभी भी सो रहे हैं कुछ लोग, डिस्कनेक्ट कर दिया था, हाँ काट दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन इस बार फोन चल रहा है तो रेडिएशन फोन का पहले ज्यादा था, अब ज्यादा है, नुकसान पहले ज्यादा होना चाहिए अब। तो देखते हैं शरीर के ऊपर अगर हमारे पास प्रोटेक्शन है तो इसका इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर। रेडी, जोर लगाओ सर, पूरा जोर लगाओ, ये लगा लो आज ही सारा जोर लगाना चाहिए। नहीं लगा पा रहे, वैसे एडी पंजे मिला, सर कह रहे हैं इसमें कुछ है, तो इसे
इसी में कुछ है तभी ये लगा रखा है। एक इसी तरह मेरी सासू माँ को मैंने प्रोडक्ट दिया था, मेरे पास ये सिर्फ वाटर एलर्जी पैड थी। जैसे सर ने बताया किसी के ऊपर एक दिन में भी रिजल्ट आ जाता है, किसी में कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो मेरी सासू माँ बोली राजे आप लोगों ने पूरी दुनिया ठीक कर दी, मेरे को भी बताओ कोई इलाज है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया मेरे को यहाँ पे दर्द रहता है और मेरा आधा सिर दुखता है, मतलब सर्वाइकल और माइग्रेन है। तो उस दिन मेरे पास ये थी गाड़ी के अंदर, मेरे बैग के अंदर, तो मैंने ये दे दी, मुझे एक बोतल लेके आओ। बोतल के ऊपर मैंने ये लगा दिया, मैंने ये पानी पीना आपको और शाम को बोतल से हटा के सिर के नीचे लगाना तकिए में। बोले ये ठीक है। तो मैंने सुबह देखा बोतल वैसे भरी पड़ी थी, मैंने ये बोले याद नहीं रहे वैसे तो ठीक नहीं हो गए। तो अगले दिन मैं तो आ गया था, उनका शाम को फोन आया, बोला जी उसने तो ऐसे दर्द खींच लिया जैसे उसके अंदर चुंबक है कोई। मैंने इसके अंदर चुंबक है। तो सर आप एक बार अपनी जुबान से दर्शकों को बताइए आपने क्या फील किया। हेलो सब भाइयों को नमस्कार, नमस्कार। मेरे को तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगे, फिर यो समस्या है सारी ध्यान रखना पड़ेगा यार, यो साथ में देखो अगर कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है तो वो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। आप फोन हमारे लिए नुकसानदायक भी है फायदेमंद भी है, छोड़ भी नहीं सकते, यूज भी करना पड़ेगा, है ना, वो नुकसान कर रहा है। लेकिन इसका प्रोटेक्शन हमारे पास मिल गया है, अगर ना मिले तो, लेकिन मिल गया तो यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है हमारे शरीर के लिए। और कुछ कहना चाहोगे सर? हेलो, मैं तो ये कहूंगा सबको यूज करना चाहिए और अपने रिश्तेदार और नातों को भी यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। सर कह रहे हैं अपने सासू को जरूर यूज करवाओ। मेरी टीम की खास बात पता क्या है, मेरी टीम के अंदर लगभग लोगों ने अपनी सासू माँ को ठीक किया है और वही से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जो लोग अपनी सासू माँ के पास लेके गया ना मेरे को मिलवाने के लिए, तो वही तेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। लगा मेरा मेरी टीम में मनमोहन टकराल है, उनका वहां से स्टार्ट हुआ था। उनकी टीम में और कई लोग ऐसे हैं जिनका अपनी सासू माँ को ठीक करके उसके आगे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है।